एक वो कंट्री जहाँ से आपसे वेट नहीं हो रहा मैं निकलूँ यहाँ से कोई था ऐसा सफर में स्टॉप आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा उस मुल्क के बारे में वो प्रोबेबली इराक था आई लव इराक इराक के लोग बहुत अच्छे थे लेकिन रीज़न ये थी कि मुझे हर 15 20 25 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता था तो मेरा आधा दिन जो है वो चेक पोस्ट, टू चेक गुजरता था तो मैं वो जो देखने गया था वो देख नहीं पा रहा था तो, तो मुझे आखिर में ये लगा कि नहीं आई हैव टू गो बैक और अभी भी मेरा दिल बहुत है क्योंकि नॉर्थ इराक जो है वहाँ पर कुर्दिस्तान वाला जो रीजन उसको एक्सप्लोर करूँ तो वहाँ पर वो इतनी चेक पोस्ट नहीं है लेकिन साउथ इराक नीचे से जो है वो ट्रैवल करके जाना उसमें मेरा अभी भी दिल नहीं मानता क्योंकि बहुत चेक पोस्ट है ओके अच्छा एक वो जगह जहाँ से दिल ही नहीं जा रहा था कि मैं उठ के जाऊँ छोड़ के जाऊँ है इंडिया आई आई नॉट सरप्राइज्ड और लव ओके सऊदी अरेबिया उसको मैंने बहुत एक्सप्लोर किया लेकिन उसको मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपनी मर्जी से एक्सप्लोर करके अपनी मर्जी से निकला हूँ इंडिया में मैं अपनी मर्जी से नहीं निकला आपका वीज़ा हाँ मैं मजबूरी में निकला हूँ और अगर मुझे वहाँ पे एक साल दो साल जितना भी वो टाइम दे मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को एक बार कैमरे से एक्सप्लोर करूँ और एक बार कैमरे के बगैर करूँ अपने लिए करूँ दूसरों के लिए नहीं करूँ उसमें मैं वो सब कुछ करूँ जो मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस करना है लोगों के साथ मिलना जुलना तो वो एक चीज़ मेरा एक ख्वाब है कि चलो एटलीस्ट अभी मैं लोगों को भी दिखाऊँ लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उसको जो है वो एक

बहुत सारी थी आई थिंक uh, मैं तो हर जगह पे पाकिस्तान बताता था और मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है उसमें उन्होंने कभी डिफ्रेंश नहीं किया क्योंकि अगर मैं किसी को बताता था ना कि मैं जर्मन हो तो उसको यकीन ही नहीं आता था नहीं। और जर्मन में हमेशा बताता हो तो सिर्फ ऑफिशल्स को बॉर्डर पे हो गए या पुलिस ऑफिसर हो गया तो ताकि उनको मैं पासपोर्ट दो वो कहे कि तो पाकिस्तानी है ये क्या अब इराक के बॉर्डर पे भी यही हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने लिख दिया अल पाकिस्तानी पासपोर्ट तो मेरे पास जर्मन है जर्मन जब मैं एग्जिट करूँ तो वो कहते हैं यहाँ पे तो पाकिस्तानी लिखा हो तुम तो पाकिस्तानी ने मैंने कहा मैंने तो आपको पासपोर्ट दिया था लेकिन ओवरऑल तर्की वॉज वन ऑफ दो कंट्रीज मेन टूरिस्ट स्पॉट से हट के ओके okay. टूरिस्ट तो स्पॉट्स डिफरेंट है।, है आप उनके गांव में किसी में जाते हो तो तर्किश लोग uh, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हाँ बिल्कुल और सिमिलरली पैलिस्तान हाँ पैलेस्टाइन में लोग जो है वो पाकिस्तान से बहुत, बहुत मतलब उनके चेहरे में जो खुशी होती थी ना उसको आप बता नहीं सकते नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कराची में पढ़ के गए हैं अच्छा

और इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा अगर उनको एक किताब की सूरत में लिख लिया हाँ, जाए हां अगर कभी मुझे कोई इस तरह का बंदा मिल जाए जो मुझे अभी भी लगता है कि मैं वो शायद कि किताब मेरी किताब कौन क्यों पढ़ेंगे लोग लोग आपके व्लॉग्स क्यों देखते हैं मैं यही चीज अभी भी मुझे <laughs> जो है ना कि एक वो इंसान जो अपना ख्वाब जी रहा है और लोग उसको इतना प्यार कर रहे हैं वो उस को मैंने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया सही नहीं। तरह से क्योंकि आई थिंक आप वो कहानियाँ सुना रहे हैं जो जिन कहानियों तक हम ख़ुद नहीं पहुँच पा रहे हैं मैंने और बहुत से लोगों ने वो जगह देख लीं उनके लोगों का एक आइडिया एक फील आ गई उधर के खाने मतलब मुझे वो याद है वो जो आपका एक वो 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 अनार 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 जूस बना हाँ, अनार का जूस बना है है का बड़े मैनुअल से से मैंने दो ऊपर मैं देखा कि नहीं अनार कर रहा तो इट वाज़ सो फैसिनेटिंग कि वो गली के कोने पे बंदा खड़ा है बेसिक से टेबल रखी हुई और उसपे वो बनाया और फिर आ... देखिए ना, क्वालिटी बहुत अच्छी मैंने यही सोचा Hmm. आ, इरान इराक yeah. से ये पूरा मिडिल की जिस तरह वहाँ पे बहुत जी, अच्छी क्वालिटी मिलती हुँ, है आपको सिमिलरलींक दोड्यूस्ड फ्रूट जो आपको वहाँ sure तो मज़ा आया होगा बहुत उसको काफ़ी जेलिस हो हाँ, में में रही थी मैं कहीं बहुत मज़ा आ रहा होगा इनको ये इतनी चीज़ें डिस्कवर करें थिंक इसलिए लोगों को का कनेक्शन है आपसे कि वो जगह जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे आप वहाँ जा रहे सो कौन सा बॉर्डर सबसे ज़्यादा आपको स्केरी लगा था कौन सा बॉर्डर सबसे कौन सा बॉर्डर सबसे सब ज़्यादा स्केरी था और आप क्या और कौन से बॉर्डर पे इतनी मोहब्बत मिली के सबसे स्केरी आई थिंक मुझे पर्सनली जिस बॉर्डर से डर लगता है ना वो ईरान का है okay. और इराक के ये बॉर्डर पे काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग गया था लेकिन जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा हमेशा रिस्पेक्ट मिली है वो आई थिंक बहरेन का था सऊदी अरेबिया के सऊदी मुझे बहुत देखते थे तो अक्सर जब मैं किसी इमिग्रेशन के पास जाता था ना तो वो आर यू द कहतेम अब्रबी भी तो <Abraar Abibi. laughs> हाँ तो एक दफ़ा मैंने बहरेन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर की वीडियो बना दी तो उसके अंदर जाने जाने में उसका थोड़ा सा चेहरा आ गया था ठीक <laughs> है वो दूर से जो है ना गुजर रहा था तो मुझे उसने ईमेल कर दी एक बंदे ने कि यार वो अपनी वीडियो में से मुझे डिलीट कर देना फिर मैंने उसको किया था That's all. That's all. बाकी आई होप कि अगर मुझे दोबारा का भी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का mm -hmm. यहाँ पे जैसे मैंने बॉर्डर इमिग्रेशन uh, के ऑफिस गया था इंडिया के तो उसका मुंह खुला रह गया कहते हैं अबरार भाई आप यहाँ पे तो वो जो एक वो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं क्या सोच रहे होगी ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे तो इंडिया का सोच रहे थे आप तो तो कुछ फियर थे आपके जहन में कुछ थे थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊँगा कि मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ लोगों को या इधर में से मैं गुजर रहा हूँ तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा लोग जो है वो आ, शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए या कुछ इस तरह वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर न कर पाए लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया दूसरा ये था कि बहुत से ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना मुझे पर्सनली लग रहा था लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं okay. तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना जिससे भी मैं बात करता था तो वो आता आता आपके जहन में वो चीज़ें बैठना शुरू थी लेकिन पर्सनली मुझे था क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं तो मुझे वो प्यार ही करेंगे तो कोई इतना नहीं था और वही हुआ जहाँ से मैं गुजरा लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत तो और रिस्पेक्ट दी तो दिल्ली इतना पसंद क्यों है आपको इज़ योर फेवरेट सिटी इन इंडिया उसकी रीज़न आई थिंक ये है कि जो मेरा इनिशियली कभी भी किसी सिटी से जो इंटरेक्शन रहा है वो लाहौर था तो लाहौर और दिल्ली जहाँ पे लाहौर का नाम आता था टेक्स्ट बुक्स में वहाँ पे दिल्ली का नाम जरूर आता था okay. तो दिल्ली वाज ऑलवेज के अगर मुझे लाहौर के अलावा किसी सिटी का पता okay. था तो वो दिल्ली था okay. तो वो बचपन से आपको ये होता था कि हाँ वहाँ का चांदनी चौक के बारे में सुनना जाम मस्जिद के आस जो फूड मिलता है जाम मस्जिद है वहाँ का किला है तो इस तरह की बहुत सारे वो जो एक लाहौर और दिल्ली की वो जो कंपैरिजन हमेशा हम शुरू में थी। करते थे